बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते और खुशोखुरम होंगे। आज की वीडियो कोई रेसिपी नहीं है बल्कि एक इल्तमास है आप लोगों से, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये दवाइयाँ हैं, मेडिसन्स हैं, ये मेरे बेटे की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है। उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है। हाल तो मेरा भी यही है, मुझे भी इस टाइम पे 101 बुखार है और बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन है, पेन हो रही है, मुझे भी खांसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे अपना नहीं है, मुझे अपने बेटे की ज़्यादा फ़िक्र है, क्योंकि उसको खांसी जो है वो रुक ही नहीं रही है। उसकी चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा हो गया है, उल्टी आ जाती है, उसको वोमिटिंग शुरू कर देता है, जब दवाई दूँ तो कुछ खा भी नहीं रहा। बहुत ज़्यादा परेशानी है मुझे उसके बारे में। तो आज कोई वीडियो नहीं थी मेरे पास, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये शेयर कर ली जाए बात और आपको बताऊँ और दुआ की अपील करूँ कि आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चों की परेशानी जो है वो देखी नहीं जाती। मैं कोई भी माँ होती है वो अपना आप भूल जाती है अपने बच्चों का, उसको ज़्यादा फिक्र होती है अपने बच्चों की, ये सारी माएँ जानती होंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोगों से मेरी दुआ अपील है कि आप प्लीज़ दुआ कीजिए जल्दी जल्दी से मेरा बेटा ठीक हो जाए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा और बुखार उसको कल 103 था। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बुखार उसका कम है काफ़ी, और उसको इंजेक्शन भी लग रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी हैं उसकी दे रही हैं साथ में। तो लेकिन जो है वो रात भी सो नहीं पाया, उसको मैं गोद में लेकर बैठी रही हूँ आधी रात को, हालांकि मेरी अपनी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप अंदाज़ा कर रहे होंगे मेरी आवाज़ से, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे खुद 101 बुखार है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो है वो बस अपने बेटे की है। आप लोग दुआ कीजिए कि बस जल्दी से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो रेसिपी होगी, कोई ना कोई रेसिपी ही होगी, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं मेरी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और दुआ तो आप लाजमी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग, आप सब लोगों के प्यार की मुझे बेहद ज़रूरत है, और आप लोगों की दुआओं से ही ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह मेरा बच्चा। और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि हम वीडियो बनाते ही इसीलिए हैं ताकि आप लोग लाइक करें। तो इसी के साथ ही अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से मेरा बच्चा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और मैं आपके लिए दोबारा से इसी तरह वीडियोस जो है जो आप लोगों को पसंद आती है अपलोड करना शुरू कर दूंगी। आप देख रहे हैं कि इसको मैंने एक लिफाफे में, एक शॉपर में डाल दिया है, वो इसलिए ताकि दवाइयों के नाम जो हैं वो नज़र ना आए। कुछ इश्यूज होते हैं वीडियोस बनाने में, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छुपा दिया है। लेकिन मेडिसन्स जो हैं वो यही वाली हैं जो मैं यूज़ करवा रही हूँ। बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है, इसके अलावा नेबुलाइज़ किया है उसको 2 दफ़ा। और इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।